तो 11th क्लास 5.2 है, 5.2 के अंदर आपके 3 जो सम के हो गए थे, उसके बाद 4th सम है, उसके अंदर क्या कहता है, तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। तो क्या है कि फॉर्म लिखनी है इसकी, क्लास जो है वो 11th है, मैथ आपका जो है 5.2 एक्सरसाइज है, 5.2 एक्सरसाइज के अंदर 4th क्वेश्चन करना है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म के अंदर लिखना है। क्या करना है, राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी इसके फॉर्म के अंदर लिखना है। जो पहला सम है उसके अंदर क्या कहता है, 5+2 आयोटा अपॉन में -1 प्लस 3 आयोटा, अंडर रूट 3 आयोटा, अंडर रूट 3 आयोटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेकिन नीचे जब भी आयोटा होगा, कहीं पर भी नीचे आयोटा होगा तो उसका रैशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रैशनल लाइजेशन करते हैं, तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5+2 आयोटा अपॉन में -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। ये जो निशान होता है आयोटा के साथ, वो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी -1 का तो -1, ये माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा होगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, -1 अंडर रूट 3 आयोटा, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करना है। ऊपर तो दोनों की मल्टीप्लाई देगी, 5+2 आयोटा इंटू में क्या है, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, इसके ए माइनस बी स्केयर, ए की वैल्यू कितनी है -1 का स्केयर, और माइनस में बी, बी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3 आयोटा और इसका स्केयर। जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इसकी 5 की और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -5, 5 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट 3 आयोटा, 2 आयोटा की और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 आयोटा, फिर 2 आयोटा की और अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3, और आयोटा की मल्टीप्लाई होगी की हो जाएगा आयोटा स्केयर, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 का स्केयर 1, अंडर रूट 3 का स्केयर हो जाएगा पूरा 3, और आयोटा स्केयर का आयोटा स्केयर। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस का 5 है, -5 अंडर रूट 3 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, और माइनस में 2 इंटू अंडर रूट 3, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू हो जाएगी -3, ये -1 एक ये माइनस, दोनों क्या हो जाएगा प्लस और 3। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों अलग रख दिए -5+2 अंडर रूट 3, क्योंकि इन दोनों के साथ क्या है आयोटा नहीं है, इन दोनों के अंदर आयोटा है, इसमें से माइनस आयोटा हमने बाहर निकाल दिया, माइनस बाहर गया तो यहाँ बचेगा कितना, 5 अंडर रूट 3, आयोटा गया बाहर, यहाँ से माइनस है, ये भी माइनस का बाहर गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इसके अंदर से भी आयोटा बाहर गया तो यहाँ बचेगा 2, और अपॉन में कितना हो गया इसका 3+1 4। अब इसको हम इस 4 को इसके नीचे अलग रख देंगे, क्या हो जाएगा -5+2 अंडर रूट 3 अपॉन में 4, और फिर प्लस ये माइनस, माइनस आयोटा बाहर है हमारे पास, और ये पूरी की पूरी लिख दिया कि 5√3+2 और अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से ये सम बढ़ रहा है। उसके बाद क्या कहता है अगले के अंदर, देखिए अगला जो है इसी का सेकंड पार्ट है, उसके अंदर क्या कहते हैं, थ्री प्लस अंडर रूट -1 और नीचे दिया गया है 2 माइनस अंडर रूट -1। तो जैसा कि हम जानते हैं -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है रूट के ऊपर, तो ये 3 का 3 प्लस इस -1 को हम क्या लिखेंगे आयोटा, ये भी 2 का 2 माइनस इस -1 को भी हम क्या लिखेंगे आयोटा। अब क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है, तो ये माइनस का जो है वो क्या हो जाएगा प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए का स्केयर, यानी ए का स्केयर यानी 2 का स्केयर हो जाएगा 4, और माइनस में क्या हो जाएगा आयोटा स्केयर। ऊपर जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 6 प्लस 3 की और आयोटा की मल्टीप्लाई होगी तो 3 आयोटा प्लस आयोटा की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 आयोटा प्लस आयोटा आयोटा की मल्टीप्लाई होगी तो आयोटा स्केयर, और नीचे क्या हो जाएगा 4 माइनस में आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, एक माइनस ही है और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है। अब 6 का 6 है, 3+2 कितना हो जाएगा टोटल 5 आयोटा, और प्लस में आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, और नीचे क्या होगा इसके 5। अब देखिए 6 में से अगर 5 1 माइनस करते हैं तो 5
बचता है और प्लस में क्या है यहाँ पे 5 आयोटा और नीचे भी इसके 5 है। अब इसमें से पूरे में से कॉमन क्या है 5 है, तो 1 प्लस आयोटा बचता है और नीचे भी इसके 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा इसका आंसर 1 प्लस आयोटा। ये किसकी फॉर्म है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म है। इस तरह से ये गणना है, ये इसका सेकेंड पार्ट था फोर्थ क्वेश्चन का। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है और फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है उस थर्ड पार्ट के अंदर क्या चीज दी गई है, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 3 प्लस 2 आयोटा। तो इसका भी रेशनलाइजेशन करेंगे कि प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, दूसरा भी क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, उस पर दोनों की मल्टीप्लाई होगी यानी 2 प्लस 3 आयोटा इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2 आयोटा। ए प्लस बी और ए माइनस बी, 3 का स्केयर हो जाएगा 9 माइनस में बी का स्केयर हो जाएगा 2 आयोटा स्केयर, यानी अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 6, फिर 2 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 4 आयोटा, 3 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 9 आयोटा, और 3 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 6, और आयोटा आयोटा की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा आयोटा स्केयर। नीचे 9 माइनस 2 का स्केयर हो जाएगा 4 इंटू आयोटा स्केयर, ये 6 का 6 है, ये प्लस के 9 आयोटा है, ये माइनस के 4 आयोटा है, तो 9 माइनस 4 होगा तो क्या बचेगा प्लस का 5 आयोटा, और माइनस में 6 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, यहाँ पे माइनस 1 9 प्लस 4 हो जाएगा, देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस, ये खत्म, 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, 12 प्लस 5 आयोटा और नीचे कितना हो जाएगा 9 और 4 हो जाएगा 13। अब दोनों को इसके नीचे अलग रख दिया, 12 अपॉन में 13, इस 12 के नीचे 13 को अलग रख दिया, 5 के नीचे इसको अलग रख दिया 5 आयोटा अपॉन में 13, तो ये किसकी फॉर्म होगी हमारे पास, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म है। इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे पास इसका जो फोर्थ है इसका फिफ्थ पार्ट है, उसके अंदर क्या है 1 प्लस आयोटा नीचे 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर 4 है, इसकी भी पावर 4 है, दोनों की पावर 4 है, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे कि 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा पूरे की पावर हमने कंबाइन करके ले ली 4, तो जो इसकी पूरे की पावर 4 है, पूरे की पावर 4 ले ली तो क्या करेंगे इसके अंदर अंदर ही रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगी इसकी पावर 4। अब ये 1 प्लस आयोटा ऊपर क्या हो जाएगा कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस बी आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर होगी 4। तो ऊपर तो हमारे पास 1 इसका अंदर का जो स्केयर इसको बोलेंगे तो ए का स्केयर 1 का स्केयर 1 प्लस बी का स्केयर आयोटा स्केयर प्लस 2 ए बी यानी कितना हो जाएगा इंटू 2 आयोटा और ये माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा और इसकी पावर 4 है। तो ऊपर 1 प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1 प्लस 2 आयोटा और नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और इसकी पावर पूरे की 4 है। तो ये प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ से अकेला 2 आयोटा और अपॉन में इसके बच गया 2 और इसकी पूरे की पावर क्या है 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1, ये इसका आंसर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन पूरा करना है। उसके बाद फाइव फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर कहता है सिंप्लीफाई करने है, सिंप्लीफाई करने यानी सिंपल बनाना है बिल्कुल। तो पहला जो है वो क्या दिया गया है कि 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस 2 और फिर प्लस है 1 माइनस 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा की पावर माइनस 2। देखिए सबसे पहले तो ये पावर माइनस में है, इस पावर को प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए क्या करोगे इसको डिवाइड में लेकर जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है, तो 1 बाय 1 माइनस आयोटा की पावर क्या हो जाएगी 2, ऊपर माइनस में था जैसे ही बटे में गया तो प्लस, अब ये प्लस का निशान बीच में एजिटेड होगा 1 अपॉन में, इसको भी हम क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे चलेंगे तो एलसीएम देते हैं तो क्या हो जाएगी 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये इसका एलसीएम दोनों को लिख दिया नीचे एलसीएम के अंदर,
अब इससे ये कैंसिल होगा, ये बचता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इनके ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस इससे ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इनके ऊपर जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर स्क्वायर बोल दीजिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा 2 आयोटा, प्लस इस तरह से इसको करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी कि माइनस के 2 आयोटा, और नीचे a प्लस b a माइनस b लगा दिए यानी a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस में आयोटा का स्क्वायर, और पूरे का भी क्या हो जाएगा ये स्क्वायर दीजिए स्क्वायर सनराइज का। अब देखिए यहां पे 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस ये 2 आयोटा ये माइनस के 2 आयोटा दोनों कैंसिल है, फिर आगे प्लस का 1 है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, एक माइनस ये और एक माइनस 1 वाला, ये दोनों की वैल्यू प्लस, और इसका स्क्वायर ये प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ऊपर 0 नीचे कुछ भी है यानी कि नीचे क्या बचता है हमारे पास 2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। इस तरह से सिंपलीफाई कर लेंगे। वैसे उसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन है फिफ्थ का, उसके अंदर क्या कहता है, क्या कहता है कि 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, और जिसके डिवाइड में है 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है माइनस 1 के, तो 1 का 1 2 आयोटा का 2 आयोटा प्लस इसकी जगह 3 इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 1, 1 माइनस में 2 आयोटा का 2 आयोटा प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1, तो ये 1 प्लस 2 आयोटा 3 की और माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी माइनस 3, 1 माइनस 2 आयोटा 3 की और इसकी मल्टीप्लाई होगी माइनस का 3, ऊपर हमारे पास एक 2 आयोटा है, जब 3 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, इस तरह से नीचे हमारे पास क्या है माइनस का 2 आयोटा है, 3 में से 1 माइनस जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, अब ऊपर भी 2 कॉमन है नीचे भी 2 कॉमन है तो 2 आएगा हमारे पास बाहर, यहाँ बचेगा आयोटा माइनस का 1, और इसमें से भी 2 बाहर ले लिया, यहाँ भी क्या बचेगा माइनस का आयोटा माइनस का 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी ऊपर बचता है हमारे पास आयोटा माइनस 1, नीचे बचता है हमारे पास माइनस आयोटा माइनस का 1। अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा है इसको प्लस करना है, इसको प्लस करो या इसको प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो ये माइनस है तो ये प्लस का 1 और ये माइनस आयोटा प्लस 1, माइनस का निशान उसको प्लस कर दिया, ऊपर दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा माइनस 1 इंटू माइनस आयोटा प्लस 1, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ए ए माइनस बी प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी माइनस आयोटा का स्क्वायर, और फिर माइनस में बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ऊपर जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आयोटा की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस की आयोटा स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ क्या है माइनस है, फिर आयोटा की और प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का आयोटा, माइनस 1 की और आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और आयोटा, माइनस 1 की और प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, ये माइनस 1 रख दिया और प्लस 1 और माइनस में भी क्या है 1 है, अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, एक माइनस बाहर है और एक माइनस अंदर हो गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है, फिर प्लस आयोटा और प्लस आयोटा कितना हो जाएगा टोटल 2 आयोटा और माइनस का भी 1 है, नीचे माइनस 1 हो जाएगा टोटल माइनस का 2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस का 1, फिर प्लस 2 आयोटा और माइनस का 1, और नीचे भी कितना इसके माइनस 2, ये माइनस का 1 है ये प्लस का 1 है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अब हमारे पास ऊपर क्या बचता है 2 आयोटा बचता है और नीचे क्या बचता है इसके माइनस का 2 बचता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कितना बचता है हमारे पास माइनस का आयोटा, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इस तरह से जो है इनको सिंपल करना है, तो 5 क्वेश्चन तक आपको 2 पार्ट करने हैं, 2 पार्ट इसके रहते हैं।